हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टार नित्य वर्ल्ड। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये मेरे बर्थडे का ब्लॉग है और इट मींस 26 जनवरी का। तो मैंने दो पार्ट में किया है, अभी इसमें बर्थडे का है और फिर एक ये शादी और कुछ ऐसे बनाने का, मैंने दो मिक्स कर दिए हैं। सो आप इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। और यहाँ पर चल रहा है मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन का डांस और यहाँ पर बच्चे बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं। फर्स्ट में आपने वीडियो क्लिप देख ही लिया है, जो मतलब शूट हो रखा था। केक वगैरह मैंने किस तरीके से कट किया, ज़्यादा शूट नहीं हो पाया क्योंकि ना एक्चुअली मैंने जिस बच्चे को कैमरा दिया था शूट करने के लिए, उसने बिल्कुल अच्छा शूट किया ही नहीं, उसने पूरा गड़बड़ कर दिया, अच्छे से शूट नहीं किया। और बस फिर अब क्या ही बोल सकते हैं, बाद में मैंने देखा, उस टाइम पे मैंने देखा ही नहीं, बस सेलिब्रेशन में बिजी थे और जब इसके बाद देखा तो मैंने देखा सारी गड़बड़ हो रखी थी। अब अगेन तो हम बर्थडे मना नहीं सकते थे, बट मैंने कहा इट्स ओके, जितना भी था ठीक था। और बाकी आप बच्चों का डांस एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और काफ़ी अच्छा डांस कर रहे थे। और ये बिल्कुल फ्रेंड में एक लड़की है ना, तो ना ये यहाँ पर, अभी आप लोग सोच रहे हो कि सब बच्चे छोटे बच्चे ही हैं बर्थडे सेलिब्रेशन में, तो हाँ एक्चुअली ये मेरी बेटी के ही फ्रेंड्स हैं। तो मैंने उनको, इन लोगों ने मतलब सरप्राइज प्लान किया था कि आज मम्मा का बर्थडे है तो हम ऐसे करेंगे, और दीशु ने अपने फ्रेंड्स को बुलाया हुआ था, तो इस तरीके से करके हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। और मतलब इन लोगों ने मेरे को बताया नहीं था, मैं अंदर थी और क्या, मैं कुछ स्कूल से आई थी तो मैं थकी हुई थी इसलिए मैं सो रही थी। और इसके बाद इन लोगों ने पूरा प्लान किया हुआ था, मतलब केक तो मंगाना था, इसके पापा को लेके आना था, बट ये इन लोगों का ऐसा था कि इन लोगों ने अपना ये सब डेकोरेशन वगैरह का प्लान किया हुआ था, इसलिए पापा से जीत करके केक मंगाया हुआ था, बताया नहीं था। तो ऐसे करके तो अच्छा लगा सरप्राइज मुझे। और बाकी बच्चों ने जो मेरे लिए किया था, आई मीन डेकोरेशन वगैरह और एंट्री पे ऐसे फ्लावर्स वगैरह, तो ये सब मुझे बहुत पसंद आया था। और फिर ये भी था कि बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये आप इनका डांस देख सकते हैं, नागिन डांस चल रहा है और कितना ज़्यादा ये इस डांस को इंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं रेडी होने के लिए जा रही हूँ क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं शादी में, और इसीलिए बस अभी मैं फेस को अच्छे से वॉश करके आई हूँ और अब मैं जाके पहनने वाली हूँ साड़ी वगैरह पहन के, थोड़ा सा फेस को मेकअप, और फिर उसके बाद चलते हैं। सो चलिए जब तक मैं रेडी होती हूँ। अच्छा, बहुत ज्यादा, अरे अरे इतना सिंपल है। तो गाइज, हम लोग हो चुके हैं बिल्कुल रेडी, आई मीन की मैं हो चुकी हूँ और बस ज्यादा तुम ज्यादा मस्ती में नहीं आ जाते हो, पकड़ के मुंडी यही दे मारूंगी, फिर मेरा क्रूर पर अभी देख लोगे शादी में पहुंचने से पहले। सो गाइज, बस अब हम निकलने वाले हैं और ये देखो ये सब रेडी होकर बैठे हुए हैं। चलो वहां से मैं स्टॉल डालूंगी एंड देन दीदी बोल रही हूं एंड देन ज्यादा नीचे शाम का सुन।
तो गाइस बच्चा पैटी रेडी है और हम लोग भी निकलने के लिए। और अभी आप इस टाइम पे देख सकते हो कितना ज्यादा अंधेरा हो रखा है, अंधेरे में ओनली मेरा मेकअप ही चमक रहा है। सो चलने के लिए हम लोग रेडी हैं, चलिए फिर चलते हैं। दिख रहा है मुझे के बाहर निकालना पड़ेगा, फिर बोला अरे मैं नहीं जाऊंगी अब, मेरा मन नहीं। हम लोग का प्लान काम कर गया। पापा आ जाएंगे ना। सो गाइस हम लोग निकल रहे हैं अब घर के लिए। फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और मैं बहुत ज्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई एक्चुअली ना, वहां पे इतना ज्यादा रश था और फिर कंफर्टेबल भी नहीं था। फोन मैंने इसी पापा के पास रखा हुआ था। मम्मा कपड़े उतार दो। अच्छा एक सेकंड। तो उस फिर ना अब हम लोग ऐसे थोड़ा यहाँ वहां होके ही वो कर रहे थे, तो फोन इन्होंने लिया हुआ था जिसकी वजह से मैं शूट ही नहीं कर पाई ज्यादा कुछ। बस आने जाने के टाइम ही मेरे पास फोन था तो मैंने थोड़ा सा शूट किया, बट जितना भी शूट किया है तो वो मैं आप लोग के साथ वीडियो इंक्लूड करूंगी, आई मीन शेयर करूंगी। सो अब मैं ये पूरा गेटअप चेंज करती हूँ, स्टॉल डाली हुई है मैंने क्योंकि बाहर तो ज्यादा तो नहीं है ठंड, स्वेटर लाइक तो नहीं है, शादी में तो वैसे भी कौन ही लेता है, और वैसे तो है थोड़ी बहुत। सो चलिए अब मैं कपड़े चेंज करती हूँ एंड मिलती हूँ आपसे मॉर्निंग में।